समझ आ रहा है ना? तो साइंस अपने लॉ को एक पॉइंट में जाकर के कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो यहां पर क्वांटम फिजिक्स बीच में आ गई, वो क्या कह रही है, ऐसा नहीं हो सकता कि अगर कुछ है तो कुछ होना चाहिए। तो उसको उन्होंने एक नाम दे दिया, जीरो पॉइंट फील्ड। मतलब कि एक ऐसी फील्ड है, फील्ड का मतलब हम समझते हैं ना, जिसके ऊपर ये सब कुछ हो रहा है। बिना उस फील्ड के कुछ भी होना इम्पॉसिबल है, उस फील्ड का होना जरूरी है, ठीक है ना? तो वेर एवर देर इज एन इफेक्ट देर हैज टू बी अ कॉज, देर कैन नॉट बी एन इफेक्ट विदाउट अ कॉज। फिर चाहे साइंस उसके बारे में जानती है नहीं जानती कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जानते हो नहीं जानते कोई फर्क नहीं पड़ता, बट कॉज तो है, उस कॉज को आप कुछ भी बोलते रहो, सोर्स तो है, कुछ भी दिख रहा है तो उसका सोर्स तो है, कुछ तो है, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं में से दिख रहा है, कुछ तो है। वो कुछ क्या है उसको स्टडी करना है, उसको स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं। दूसरा, अगेन वेरी वेरी इंटरेस्टिंग इफेक्ट, इसको ध्यान से सुनना, इफेक्ट इज नथिंग बट द कॉज इटसेल्फ अपीयरिंग इन अ डिफरेंट फॉर्म। जो इफेक्ट है वो कुछ नहीं है, वो कॉज ही है जो अलग दिख रहा है, एक्चुअल में अलग है नहीं, समझ गए ना? बर्फ पानी ही है लेकिन पानी से अलग दिख रही है, छूने में भी वो पानी से अलग है, दिखने में भी पानी से अलग है, उसको टच करेंगे तो ठंडक में भी वो पानी से अलग है, टेम्परेचर में भी, समझ आ रहा है ना, आवाज में भी वो पानी से अलग है, बर्फ से बर्फ टकराएगी तो अलग आवाज होगी, पानी से पानी टकराएगा तो अलग आवाज होगी। तो हर तरह की परसेप्शन में बर्फ पानी से अलग है लेकिन बर्फ पानी ही है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी इंटरेस्टिंग, इफ यू टेक द कॉज आउट ऑफ द इफेक्ट नथिंग रिमेन्स, ओनली द कॉज रिमेन्स। समझ आ गया? बर्फ में से अगर आपने पानी को निकाल दिया तो बर्फ कहाँ है? नहीं है। क्या बचेगा? नथिंग बचेगा। क्या बर्फ नथिंग बन गई? क्या बन गई बर्फ? पानी बन गई। अच्छा, पानी को हमने उबाला और थोड़ी देर बाद हमने देखा जिस कंटेनर में वो पानी पड़ा हुआ था उसमें वो दिखना बंद हो गया, तो क्या पानी कुछ नहीं बन गया? पानी गायब हो गया? क्या बन गया पानी? हवा बन गया। समझ आ गया ना? पानी मरा नहीं है, पानी की सिर्फ फॉर्म चेंज हुई है। जब आप बर्फ से पानी तक पहुंचे और पानी से हवा तक पहुंचे तो मान लो किसी इंस्ट्रूमेंट से मॉनिटर कर रहे हैं कि वो हवा का क्या होता है, जब पानी उबल जाता है तो क्या होता है, फिर कुछ देर बाद उस इंस्ट्रूमेंट में, साइंटिफिकली बड़ा तगड़ा इंस्ट्रूमेंट है, बहुत ही ज्यादा सोफेस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट है, उसमें भी वो दिख रहा है, पूरा मूवमेंट दिख रहा है कि वो कहां जा रहा है, कैसे जा रहा है, कुछ देर बाद उसमें वो दिखना बंद हो गया, तो क्या वो कुछ नहीं बन गया? ये इंस्ट्रूमेंट की लिमिटेशन है, समझ गए ना? तो साइंस क्या करेगी, आगे खोदती चली जाएगी, खोदती चली जाएगी, खोदती चली जाएगी, इसके आगे और क्या हुआ, फिर इसके आगे क्या हुआ, फिर उसके आगे क्या हुआ, फिर उसके आगे एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जहां पर जा करके साइंटिफिक जो इंस्ट्रूमेंट है उसको दिखना बंद हो जाएगा, तो साइंस क्या कहेगी, ये सबसे छोटा पार्टिकल है। फिर एक और इंस्ट्रूमेंट बनेगा जो उससे बेटर होगा और साइंस क्या कहेगी, हाँ नहीं नहीं नहीं, इससे छोटा भी कुछ हो सकता है। इट इज एंडलेस, खुद ही अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट करती रहेगी। और मान लो किसी दिन थियोरेटिकली पहुंच गई है, मान लो प्रैक्टिकली भी इस जीरो पॉइंट फील्ड तक पहुंच गई, यानी कि साउंड ऑफ साइलेंस तक पहुंच गई, ओम तक पहुंच गई, जो सुप्रीम रियलिटी है वहां तक पहुंच गई, तो अब साइंटिस्ट क्या दिमाग लगाएंगे कि हम इसको कैसे यूज करें कुछ करने के लिए, इससे हम कैसे और बेटर न्यूक्लियर वेपन्स बना सकते हैं, साइंस ही सोचेंगे। तो साइंस कहां पर जाकर के अटकेगी? जो आप उससे भी एक स्टेप आगे बढ़ सकते हो, जहां तक साइंस कभी नहीं पहुंच सकती, क्योंकि वो डिवीजन बना ही रहेगा जब तक आदमी से इंक्वायरी को नहीं करेगा कि मैं कौन हूं, तब तक वो ये कहेगा मैं हूं जानने वाला, ये है जिसको मैं जान रहा हूं। और बार बार हमारे स्क्रिप्चर्स क्या कह रहे हैं, तत्वमसि, यू आर दैट,
तीन एंगल से आप पहुंच सकते हो, तीनों जगह से वहीं पे पहुंचोगे। चाहे आप खुद के सच को जानो, चाहे इस क्रिएशन के सच को जानो, चाहे भगवान के सच को जानो, एंड में एक ही जगह पहुंचो। समझ गए ना? कोई आदमी कहता है मेरे को इस समुद्र का सच जानना है, इस इनफाइनाइट समुद्र का, तो कहां पहुंचेगा? पानी पे। कोई कहता है मुझे लहर का सच जानना है, मैं लहर हूं, मुझे अपने सच को जानना है, वो कहां जाकर के मिलेगा, उसका एंड कहां होगा? पानी। ये जो मटेरियल है जिससे लहरें बनी है, ये बुलबुले बने हैं, इसको मेरे को जानना है कि इसका मटेरियल कॉज क्या है, इसका सोर्स क्या है। पानी पे पहुंचे, हर तरफ से आप पानी पे ही पहुंचोगे। तो सच जानने से क्या होता है, हमारे अंदर की उथल पुथल खत्म हो जाती है, स्ट्रेस खत्म हो जाता है, डाउट्स खत्म हो जाते हैं, आदमी स्टेबलाइज हो जाता है। अब ये काम एक दो दिन में नहीं होगा, इसको अच्छे से समझ लेना, ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। आई एम द स्टूडेंट ऑफ द ट्रूथ, मैं अपनी बात कर रहा हूं, तो यू कैन ऑल्सो बी द स्टूडेंट ऑफ द ट्रूथ। अब आप मेरे से अगला सवाल पूछोगे कब तक के लिए? हमेशा के लिए। उसमें बुराई क्या है? उसमें बुराई क्या है? जैसे हर कोई किसी ना किसी चीज का स्टूडेंट है ना, कोई पढ़ रहा है, कोई कुछ पढ़ रहा है, कोई कुछ पढ़ रहा है, कोई कुछ पढ़ रहा है, सब इस क्रिएशन में जो चीजें हैं उसके बारे में पढ़ रहे हैं। मैं किसके बारे में पढ़ रहा हूं? इस क्रिएशन का जो सोर्स है उसके बारे में पढ़ रहा हूं और समझ रहा हूं और देख रहा हूं और देखता ही चला जा रहा हूं।